से आई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। झांसी से लकड़ी लेकर रामपुर जा रहे ट्रक में भीषण आग लग गई। एक्सप्रेसवे पर ट्रक जलकर खाक हो गया। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से आवागमन भी बाधित हो गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर। तस्वीरें हम आपको इटावा से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लकड़ी लेकर जा रहे इस ट्रक में आग लगी और देखते ही देखते पूरा का पूरा ट्रक जल गया। जानकारी के मुताबिक झांसी से लकड़ी लेकर यह ट्रक रामपुर जा रहा था। एक्सप्रेसवे पर अचानक से इसमें आग लगी और आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई गई है। वहीं आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम फौरन मौके पर पहुंची और आप देखिए कैसे कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था, लकड़ी समेत पूरा ट्रक जल चुका था। वहीं आग लगने की वजह से आवागमन भी काफी देर तक बाधित रहा।